हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तापोशी और आज हम बनाएंगे बेल का स्मूदी या शरबत। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये गर्मियों में पीना बहुत ही लाभदायक होता है शरीर के लिए। तो आज हम बेल का शरबत बनाएंगे और इसे बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच पाए। और हमें लाइक करें, कमेंट करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज हम बेल स्मूदी या शरबत बनाते हैं। आज हम बनाएंगे बेल का शरबत। बेल का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ बेल लिए हैं और हाफ कप चीनी है, एक गिलास दूध है और एक गिलास पानी। तो सबसे पहले हम बेल को इस तरह से तोड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ा साइज का बेल है तो हम इसमें से आधा बेल निकाल लेते हैं। इस तरह से एक चम्मच लेना है और इसको निकालना है। बेल का जो पल्प है सारे को इस चम्मच से हम निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और इसको अच्छे से पानी के साथ मैश करना है। प्रोसेस में हम सारे इस तरह से निकाल कर इसे फेंकते जाएंगे और बेल का जो पल्प है इसका हम शरबत बनाएंगे। और एक गिलास हम पानी डालेंगे और अब हम सारे बीज को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी और एक गिलास दूध। इसे अच्छा से मिलाना है, चीनी को घुलने तक इसको अच्छे से मिलाना है। बेल का शरबत बहुत ही लाभदायक होता है और गर्मियों में इसे पीना तो बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बहुत जल्द बना सकते हैं।